तो गाइज ये पौधा बारिश की वजह से सब बिखर गया था जो कि हम फिर सही किए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम आप लोगों को कुछ दिखाएंगे आज, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। जो कि पिछली बार हम बोले थे आप लोगों को कि एक पक्षी ने एक बच्चे को जन्म दी थी और दो उसके अंडे थे जिसमें से और बच्चे निकलने वाले थे, जो कि हम आप लोग को बोले थे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो गाइस वही हम आप लोगों को दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हम लोग चलते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हम लोग चलते हैं पक्षी के पास जहां वो बच्चे को अपना जन्म दी है, वहां पे हम लोग चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा बगीचा है सब, ये सो रखा है, देखिए। तो गाइस हम चलते हैं, जैसा देखिए इसी में दी थी जो आप लोग को हम पिछले वीडियो में दिखाए थे। तो गाइस हम आप लोग को दिखा रहे हैं, तो देखिए गाइस ये पक्षी। तो गाइस वो जो दो अंडा था, लग रहा है बारिश के कारण या किसी कारण से हम उसको देखे तो उसमें बच्चे नहीं थे, वो ख़राब हो चुका था गाइस। ये एक ही जो पिछली बार बच्ची थी वही बच्ची है, पक्षी। इसकी माँ उधर गई है पेड़ के तरफ, भाग गई है, हाँ उधर बैठी है। और आप गाइस इसको देख सकते हैं कितनी प्यारी है। अब लग रहा है ये भी कुछ दिन में गाइस ये भी उड़ने लगेगी, 10 से 15 दिन या 10 दिन के अंदर में ये भी उड़ने लगेगी शायद। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है। तो गाइस ये पौधा बारिश की वजह से सब बिखर गया था जो कि हम फिर सही किए थे। फिर बारिश हुआ था रात में तो कुछ बिखर गया था, तो फिर हम सही किए गाइस। गाइस इसी पक्षी का वो इसमें बच्चा है, आप देख सकते हैं गाइस उसी पक्षी का ये बच्चा है, आप देख सकते हैं। वो आवाज़ भी लगा रहे हैं दोनों कि शायद मैं उन इसके बच्चे को कुछ कर रहा हूँ। कुछ खाने के लिए वो गए थे लाने। तो गाइस जैसा हम बोले थे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएं, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।